told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt. Hello everyone, good evening. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज अपनी वीडियो किचन से शेयर कर रही हूँ। तो अभी बजे 3:30, ये देख सकते हैं आप, और मैं आई हूँ किचन में। तो चाय मैंने रख दी है, देखिए ये चाय भी मेरी उबल रही है। तो सोचा कि वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये मेरी चाय बन के रेडी है, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। तो अब मैं इसे निकालूंगी, देखिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरी चाय है और नाश्ता। तो आइए अब भी हमारे साथ चाय और नाश्ता करने। तो मिलते हैं चाय पीने के। और ये चाय पीने के बाद मैं शाम को मिल रही हूँ सीधा किचन में। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ चीले। तो सुबह में मैंने करेले की सब्जी बनाई थी, तो इसके छिलके मैंने रख दिए थे। तो इसी का मैं बेसन के चीले बना लूँगी। तो अब इसमें सारा कर लूँगी मसाला। तो ये अजवाइन डाल दी सबसे पहले, और ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब नमक, ये सब डाल के मैं अच्छे सा बैटर तैयार कर लूँगी। और वैसे करेले की सब्जी तो हम बड़े खाते हैं, बच्चे तो खाते नहीं, पर ये छिलके की मैंने कभी भी छिलके के चिले नहीं बनाए थे, मैं फर्स्ट बार बना रही हूँ। तो वैसे बहुत अच्छे बने थे और अपनी सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। वैसे इस तरह से छिलके फेंका मत कीजिए, मैं भी पहले फेंक देती थी, पर अब मैंने इस पहली बार बनाए थे, बहुत अच्छे बने थे। तो ये देखो मैंने अच्छे से हिला कर ये बना लिया गोल। तो अब मैं बनाऊंगी, अब इसको भी थोड़ा और पतला करूंगी। और इसके बाद मुझे बरवा मिर्च बनानी थी, वो भी इससे बेसन बरवा मिर्च बनानी थी। तो वे मैं कट करने बैठ गई, तो इस तरह से चाकू से मैं इसे कट कर लूंगी। और ये देखिए मैं बना रही हूँ ये मिर्च बरवा बेसन मिर्च। तो इसमें ये मैंने सारे अच्छे से वॉश करके अंदर से कट लगा के रख दिया है, देखिए। तो ये सारी मिर्ची मुझे बेसन के मसाले में मिर्च भरनी है। तो अब मैं इस बेसन में सारे मसाले कर दूंगी। तो ये मैंने थोड़ी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और इसमें थोड़ी अजवाइन डाल दूंगी, तो ये देखिए। और ये मैंने चीनी डाल दी। और इसके बाद डालूंगी मैं नमक और नमक डालने के बाद मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी, तो देखिए। अब अच्छे से ये सब मसाला सारा मैं मिक्स कर लूंगी। और ये बेसन में सारा मसाला करने के बाद मैं ये सारा मिर्च में भर लूंगी इस तरह से। तो ये देखिए अब सारे मिर्ची जो मैंने थोड़े इस तरह की ये मिर्ची और खाने में अच्छे लगते हैं और वैसे तीखे भी नहीं होते, तो मैंने थोड़े इस तरह के लिए थी मिर्ची। और दो तीन चार मिर्च मैंने इससे बता पतले भी मिर्च लिए थे, तो वो सारे मैंने भर दिए थे मसाला अंदर से। तो ये देखिए मैंने सारा मसाला भर दिया। और ये मैंने कढ़ाई में ऑयल रखी है, क्योंकि अब मैं इस मिर्ची का लगा दूँगी तड़का। तो ये देखिए ऑयल, वैसे मेरा ऑयल आ गया है। तो इस तरह से मैं एक एक मिर्च सारे रख दूंगी ऑयल में। वैसे गैस की फ्लेम मैंने स्लो कर दी है, तो ये देख सकते हैं आप। इस तरह से सारे मिर्च में
कढ़ाई में रख दूँगी और ये ऊपर से वो जो सारा मसाला बचा था वो भी मैं ऊपर से डाल दूँगी। तो देखिए अच्छे तरह से भी है। इस तरह से हिला दूँगी, हिला दूँगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम में अब उसे मैं पकने दूंगी। और ये देखिए मुझे रोटियां बनानी थी तो मैं साइड में मेरी मिर्ची भी बन रही है और ये मैं रोटियां भी बना रही हूँ साइड में, वो भी हो जाएगी मेरे, देखना देख लूँगी साइड में तो दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं अच्छे से हिला रही हूँ और इसके बाद ये जो नींबू था वो मैंने निचोड़ दिया था मिर्च में, ये देखिए। वैसे चीनी भी डाली थी तो थोड़ा नींबू डालते तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने पूरा नींबू निचोड़ दिया, वैसे मेरी हो बन गई है तो देख सकते हैं आप, वैसे ढक दूंगी। मैंने जो बेसन के चीले का जो बोल तैयार करके रखा था अब मैं बनाऊंगी इसके चीले। तो देख रहे हैं मैंने तवा रख दिया है गैस पे और इसमें थोड़ा ऑयल लगा थी इसका। मैंने बैटर डाल दिया, मैं इसमें ऊपर से मैं ऑयल डाल दूंगी इस तरह से। इस तरह से मैंने इतना पतला कर दिया। तो ये देखिए मेरा एक तरफ से हो गया। तो इसी तरह से मैं सारे चीले बना लूँगी। ये देखिए तो ये बनाई है मैंने भरवा बेसन मिर्च और ये रोटी भी मैंने रोटियां भी बना दी है और ये बनाई मैंने बेसन के जो चीले जो करेले के छिलके थे छिलके के बनाए थे वो। तो यही था हमारा आज का खाना। और ये खाना बनाने के बाद मैं आई हूँ छत पे। तो ये देखिए बहुत अच्छा व्यू है, वैसे मौसम भी ठंडा कर दिया है, बारिश हुई नहीं है, दोपहर सुबह से गर्मी बहुत थी। तो देखिए वो भी मेरे बैलू भी मेरे साथ आए हैं। तो मुझे करनी थी वीडियो की एंड, तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।